नमस्कार। आपने डिटेल्स दी बच्चे की 27 दिसंबर 2014 मॉर्निंग 7:12 AM पर बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे की वर्तमान की उम्र 5 साल। तो इस बच्चे के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। आगे करियर, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब भी जो आपने सवाल भी पूछे हैं उनके भी जवाब आपको मैं दूंगा। लग्न से शुरुआत करते हैं कि व्यक्ति का लग्न कितना मजबूत है। लगन में शरीर होता है, अगर शरीर में मजबूती है, लगन में मजबूती है, तो व्यक्ति की लाइफ में जो अचीवमेंट्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, वो सॉरी बेहतर हो जाती हैं। लाइफ और लगन मजबूत नहीं होता है तो अचीवमेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। बृहस्पति लगन का मालिक है, धनु लगन है, और लगन पे विराजमान है सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य जो कि भाग्येश होके लगन में है, ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। भाग्येश का लगन में बैठना व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सुविधाएं अवसर प्रदान करता है। यानी व्यक्ति जहाँ जिस भी रूपरेखा में पैदा हुआ है वहाँ उसे किसी भी चीज़ की ये प्लेनेट कमी नहीं होने देगा। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ उसके घर परिवार के लोगों से मिलने वाली सुख सहायता, भवन वाहन सुख के बारे में। तो लग्नेश लगन में सूर्य की स्थिति, लगन में बुध भी हैं। बुध कर्म भाव का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है। यह कर्म के लिए स्थिति अच्छी है, पत्नी प्राप्ति का योग दिखाती है, यानी जीवन में विवाह भी होगा। थोड़ा सा विवाह में विलंब हो सकता है, वो भी ज़्यादा बड़ी स्थिति नहीं दिखती है। और सूर्य और बुध अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग यहाँ बना रहे हैं लगन में। ये राजयोग भी है, भाग्यशाली योग भी है, तो ये व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा माना गया है। लगन में बुध जब होते हैं तो उनको दिग्बली माना जाता है। ये बुद्धिमता के लिए, लॉजिक के लिए, किसी चीज़ के प्रति तर्क शक्ति या उसके दिमाग या कैचिंग पावर के लिए अच्छा होता है। लगन में शुक्र भी हैं, शुक्र षष्ठेश हैं, छठे घर का मालिक। जब लगन में बैठता है तो ये षष्ठेश के लिए तो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर को प्रॉब्लम देता है, यानी रोग दे सकता है, किसी न किसी बीमारी में इन्वॉल्व कर सकता है आपको, यह जीवन को थोड़ा संघर्ष में बनाता है। ऐसा प्लेनेट एक तरीके से अपनी दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम देता है, लेकिन एकादशेश भी हैं। इस कुंडली में बहुत सुंदर राजयोग के 9वां, 10वां और 11वां घर का मालिक सूर्य, बुध और शुक्र लगन में बैठे हैं। ये एक अच्छी प्लेनेटरी पोजीशन है। लगन का मालिक गया अष्टम भाव में। लग्नेश जब जब 6, 8, 12 में बैठता है तो ये लग्नेश के लिए एक प्रॉब्लम की स्थिति है। लग्नेश का अष्टम भाव में जाकर उच्च का होना और वक्री होना व्यक्ति को चेष्टाबली बनाता है, दिमाग से तेज बनाता है, अच्छी कैचिंग पावर देता है। आयु के लिए ये ठीक है, लेकिन संघर्ष की स्थिति फिर से यहाँ पर दिखाई दी है। जब ग्रह लगन का मालिक भी हो और चौथे घर का मालिक भी हो, जाके बैठ जाए अष्टम भाव में उच्च की स्थिति में, तो जीवन में स्वयं के बल पर भी जमीन जायदाद धन आपके पास होगा। आप अपनी वाणी के बल पर भी जीवन में धन कमा लेंगे, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ। यानी एक समस्या आपने जो मुझे इनसे संबंधित बताई है कि स्पीच प्रॉब्लम है, क्या ये उससे ओवरकम होगा? देखिए बिल्कुल ओवरकम होगा, उसके बारे में भी आपसे अभी हाथों हाथ चर्चा कर लेता हूँ कि ये जो बृहस्पति है थोड़ा सा लाइफ में संघर्ष देता है क्योंकि शरीर का मालिक लगन में है, लेकिन जब वापस ये देख रहा है दूसरे घर को, दूसरा घर वाणी स्थान भी है, अगर ये कुटुंब स्थान है, घर परिवार से पैसा देता है, मकान देता है, तो ये वाणी का भी है। वाणी स्थान पे बैठा मंगल, उच्च का मंगल पंचमेश होके ये ठीक स्थिति है, बृहस्पति भी देव, लेकिन जो वाणी भाव का मालिक शनि है वो 12वें घर में बैठा है, राशि परिवर्तन करके बैठा, शनि की दूसरी दृष्टि है, ये वाणी को थोड़ा सा स्लो या वाणी में किसी प्रकार की कोई परेशानी देता है। लेकिन आपकी ये परेशानी भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। फरवरी 2021 तक जब बृहस्पति में शनि की दशा चलेगी, उसके बाद इस स्थिति में अपने आप बेहतर सुधार आने शुरू हो जाएंगे। और आप इस बात को मन से निकाल दीजिए कि इनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहने वाली है या ये वाणी से कुछ प्रॉब्लम रहेगी, जीवन भर रहेगी, ऐसी कोई स्थिति मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी है। तो वो स्थिति सॉल्व हो जाएगी, कुछ उपाय भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, उनसे भी स्थिति ठीक रहेगी। जब दूसरे घर और
बारहवें घर का राशि परिवर्तन होता है और कारक बृहस्पति छठे घर में हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में पैसे से संबंधित अहमियत थोड़ा देर से समझ में आती है। या ये कह सकते हैं पैसा इनके पास टिकता नहीं, बहुत खर्चीले स्वभाव के हो जाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आएगा भविष्य में वो थोड़ा निकल जाएगा किसी न किसी खर्च में। यानी पैसे से संबंधित समझ, सामाजिक समझ, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा स्लो रहेगा, धीरे धीरे करके ही लाइफ में वो चीज़ें आएंगी, इतनी आसानी से नहीं आएंगी। मंगल धन भाव में उच्च का पंचमेश होके हैं, ये एजुकेशन के लिए एक अच्छा संदेश है। पंचमेश का पंचम को देखना संतान और एजुकेशन के लिए ठीक है। संतान एजुकेशन का कारक भी बुध अपने आप में ठीक इस जगह बैठा है, यानी ये आपको एजुकेशन भी करा सकता है और ये आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी करा सकता है। राहु केतु एक्सेस जब आपके चौथे और दसवें घर को प्रभावित करता है तो ये अपने जीवन में बच्चे की चौथे घर में बैठा केतु मदर की हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाता है, थोड़ा सा स्वभाव में चंचलता देता है, घर से दूरी भी राहु केतु अपनी दशा भुक्ति में व्यक्ति को दे देते हैं। प्लैनेट चंद्रमा के बारे में बात करें, जब चंद्रमा अष्टमेश होके अपने राशि से अष्टम भाव में बैठें, कभी कभी ये स्थिति छोटे भाई बहन से संबंधित सुख नहीं दिलाती, या ये कह सकते हैं इससे छोटे भाई नहीं होता है, होता है तो उसका सुख ना के बराबर होता है। और अष्टमेश की दशा, चंद्रमा की दशा जीवन में जब भी आती है तो ये थोड़ा हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपका ध्यान भटका सकती है, आपका ध्यान भंग कर सकती है, आपको आपके टारगेट से भ्रमित कर सकती है। तो ये तो थी एक ओवरऑल कंडीशंस प्लैनेटरी पोजीशन की, कि बहुत सारे योग इसमें अच्छे भी देखे गए हैं तो थोड़े बहुत योग प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और ये सभी कुंडलियों में होता है, ज़रूरी नहीं है हर कुंडली हर चीज़ में पूर्ण तरीके से परफेक्ट हो। एक चीज़ और देखी है मैंने, इस कुंडली का जो ये नवम भाव है ये पिता का स्थान भी होता है, इस पर शनि और मंगल दो ग्रहों का प्रभाव भी है। जब सब नवम भाव पर शनि मंगल का प्रभाव होता है, भाग्य बनाने में थोड़ी सी देरी कह सकते हैं, स्वयं के बल पर भाग्य का नाश कर लेना या अपने ही गलतियों के कारण अपने भाग्य को नुकसान पहुँचाना, और पिता के स्वास्थ्य के लिए ये स्थिति ठीक नहीं मानी गई है। तो आपने कुछ सवाल भी पूछे हैं, सवाल भी मैं देखता हूँ, और उससे पहले दशा पे बात करते हैं कि बृहस्पति की माँ दशा जून 2016 से शुरू हुई, जून 16 से हुई बृहस्पति की दशा शुरू, 16 साल की महादशा 2032 तक चलेगी। बृहस्पति लग्न और चौथे घर का मालिक होके अष्टम भाव में बैठे हैं, जब प्लैनेट अष्टम भाव में बैठे और उसकी दशा आए तो क्या होता है, जीवन में जो प्रोग्रेस होती है वो थोड़ी स्लो होती है, हेल्थ के लिए मैं इसको ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानता हूँ, और कठिनाइयों भरा जीवन मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि दशा में मिलेगा तो ज़रूर, प्लैनेट भले ही उच्च का है लेकिन है तो अष्टम भाव में, कभी कभी घर से दूरी देने में भी ये प्लैनेट सक्षम होता है, यानी बच्चे को एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भेजने में भी सक्षम है। सबसे पहला सवाल, स्पीच प्रॉब्लम से ओवरकम होगा क्या, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अंत में उपाय भी बताऊंगा। हेल्थ एंड डिजीज़, हाँ हेल्थ एंड डिजीज़ की स्थितियाँ अभी भी दिख रही हैं और फरवरी मार्च 2021 तक भी वो चल रही हैं, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ धीरे धीरे सुधार में आ जाएंगी। एजुकेशन और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुंडली मजबूत है। बृहस्पति की दशा और बृहस्पति के बाद आएगी शनि, तो कुंडली में बार बार एक कॉम्बिनेशन आया कि ये बच्चा घर से तो कहीं दूर ही जाएगा पढ़ने के लिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेगा, टेक्निकल एजुकेशन करेगा, यानी कोई लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ने वाला बच्चा ये नहीं है, और घर से दूर पढ़ेगा और बाहर जाकर ही अपनी नौकरी भी करेगा, कभी कभी संभवतः ऐसे बच्चे विदेश तक भी जाते हैं, क्योंकि अभी 2032 तक तो बृहस्पति की दशा चलेगी, यानी जब तक इनकी उम्र होगी 18 वर्ष, तुरंत इनको शनि की महादशा शुरू होगी, 32 से 35 ये समय होगा जब ये बच्चा घर से दूर जाएगा, एजुकेशन के लिए दूर जाएगा, बाद में इसको दूर स्थानों पर ही नौकरी मिलेगी, कभी कभी ऐसी स्थिति बच्चे को विदेश में भी भेज देती है। तो एजुकेशन की उसमें आपने कहा ये फ्रिकल माइंडेड है, देखिए अभी 5 साल का ये बच्चा है, एक 5 साल के बच्चे के ऊपर अगर प्रेशर ऐसा डालोगे कि तुझे आईएएस बनना है तो वो कोई भी हो, सारे बच्चे फ्रिकल माइंडेड होते हैं, बच्चा जैसे 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 बड़ा, क्योंकि बच्चे के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है, अगर माँ बाप उसको एजुकेशन करा रहे हैं तो उसकी खुद की इच्छा पूछी जाए तो उसकी खुद की इच्छा रहेगी तो तुम इधर उधर घूमो, शैतानियाँ करो,
टीवी देखो, मोबाइल देखो, बच्चों के साथ खेलो, उनमें व्यक्ति का ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। देश का तो माहौल भी थोड़ा सा आजकल ऐसा ही चल रहा है जिसमें बच्चों का ध्यान प्रॉपर रूप पे एजुकेशन पे नहीं जाता है। लेकिन जहाँ तक फिकल माइंडेड वाली बात है, ये हॉरोस्कोप मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये मेच्योरिटी लेवल थोड़ा देर से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बेवकूफ़ व्यक्ति की हॉरोस्कोप है या जीवन में कोई कुछ करेगा नहीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इसकी उम्र आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जीवन में तरक्की भी करेगा। आप देखिए, बृहस्पति इनकी नवांश कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो एजुकेशन क्यों नहीं होगी? बिल्कुल एजुकेशन होगी और अच्छी एजुकेशन होगी। जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिल्कुल जॉब वाला ये प्रोफाइल है और मेरे हिसाब से ये घर से दूर पढ़ाई करके दूर ही नौकरी करेगा, वो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। कैरेक्टरली देखें तो कोई मुझे बहुत बड़ी समस्या कैरेक्टरली हॉरोस्कोप में दिखाई नहीं दी है। इसको मैं कोई करेक्टरलेस हॉरोस्कोप नहीं कहूँगा, लेकिन नवांश में मंगल की राशि में शुक्र, मंगल नीच का और बृहस्पति पंचम में, ये लव रिलेशनशिप्स दिखाता है और अपनी मर्जी से दिखा रहा है शादी की स्थिति, यानी लव मैरिज वाला कॉम्बिनेशन इस चार्ट में कंप्लीटली शो होता है। अब जब शनि में शुक्र की दशा आएगी, यानी 2039 से 42 के बीच, वो समय इनका होगा जिसमें इनकी शादी हो जाएगी। तो करेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्डिंग विद पेरेंट्स, बॉन्डिंग विद पेरेंट्स अभी के हिसाब से देखें तो आपको लगता होगा पता नहीं क्या करेगा, लेकिन कोई ख़राब स्थिति नहीं है। हाँ, इनके हिसाब से इनके फादर को लाइफ में स्ट्रगल या हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं, मदर के लिए तो कोई इतने खास दिखाई नहीं देते। तो उसके लिए भी मैं लास्ट में कुछ रेमेडी बताऊंगा जो ओवरऑल सब चीज़ों पर वर्क करेगी। मैरिड लाइफ, कोई ख़राब मैरिड लाइफ इस चार्ट की नहीं है, बाकी इनकी पत्नी की कुंडली पर भी वो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो सवाल तो ऑलमोस्ट मैं आपके कंप्लीट कर चुका हूँ, जो भी आपने मुझे बताया है। वाणी वाली कोई समस्या नहीं है, जब ग्रह वाणी स्थान का मालिक हो और बृहस्पति उसे अष्टम से बैठ के देखे और शनि देख रहा हो सेकंड छठे घर को, आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए। रेगुलर ट्रीटमेंट में रख के ये बच्चा बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। मेरे हिसाब से फरवरी 2021 तक की समस्या ज़्यादा है, उसके बाद तो आप देखना स्पीडली व्यक्ति तरक्की करेगा। तो ये स्थिति हो गई, इनको डॉक्टरी उपचार में रखें। अब बात आती है बृहस्पति की दशा, बड़ी लंबी है इनको। और देखिए, मंगल दूसरे घर में, शनि भी दूसरे घर को देखता है, तो बच्चे को एक रेमेडी करानी है, वो है हनुमान चालीसा का पाठ। बच्चे से कहिएगा कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं करो। अगर वो हनुमान चालीसा पूरी नहीं करता है तो उसको बोलो, हनुमान चालीसा में कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये किसी कागज़ पर लिख कर दे दो उसे। दूसरा, बल बुद्धि विद्या ज्ञान देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये दो पंक्तियाँ आपको हनुमान चालीसा मिल जाएंगी, दोनों उसको पेपर पर लिख के दे दो कि बेटा तू इनको पढ़, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके वो तेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा। जब बच्चों को वाणी से संबंधित दोष होते हैं तो मैं उनके लिए एक रेमेडी बताता हूँ उनकी मदर को। वो रेमेडी ये है कि आप कोशिश करें, जो माखन होता है ना, मक्खन घर में निकाला वो मक्खन होता है, उस मक्खन को आपको 2 बार हफ्ते में, 2 बार, और मैं समझता हूँ बुधवार और बृहस्पतिवार दोनों ही दिन आपको माखन लेना है। ओरिजिनल माखन हो, आपके घर में निकाला हुआ मक्खन हो, किसी भी चीज़ से निकालिए, उस मक्खन में मिश्री मिलाइए, पीस के मिला सकते हैं मिश्री को आप, और मिश्री भी वो जो बाज़ार में मिलती है धागे वाली मिश्री, ओरिजिनल मिश्री, उसको उसमें चूरा करिए, उसको भगवान के सामने रखिए, भोग के तौर पे रखिए, थोड़ा सा माखन मिश्री मिला के आपस में, कुछ भोग भगवान के पास रहने दीजिए, कुछ भोग उसमें से उठा के आपको बच्चों को खिलाना है। और जब आप उस माखन मिश्री के भोग को बच्चे को खिलाएंगे, उससे पहले आपको एक एक चीज़ करनी है कि आपको माता सरस्वती का ध्यान करना है। ओम सरस्वते नमः, ये सबसे सरल मंत्र है माता सरस्वती का। तो आप एक कटोरी के अंदर माखन मिश्री लीजिए, उसके ऊपर अपना हाथ ढक दीजिए और माता सरस्वती का मंत्र ओम सरस्वते नमः, इस मंत्र को 21 बार जाप करके बाद में उस कटोरी पे से हाथ हटाइए और उसमें फूंक मार दीजिए हल्की सी।
जिससे क्या होगा, वो माखन मिश्री अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद बच्चे से कहिएगा कि इसे अपने हाथ से चाटे, या आप उसको अपने हाथ से चटाएं और कोशिश करें वो सारा माखन मिश्री उसको खिलाएं, जितना भी आपके पास है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है। ये बुधवार और बृहस्पतिवार आपको लगातार ये माखन मिश्री करना है। उसके अलावा भी बच्चा अगर हफ्ते में सातों के सातों दिन खा सकता है उसको, तो सातों के सातों दिन करें। प्रक्रिया यही रहेगी कि हर बार उसको अभिमंत्रित करना है उस मंत्र से और वो बच्चों को खिलाना है। और दो चौपाई मैंने उसकी बताई हैं आपको पंक्तियाँ हनुमान चालीसा की, वो कीजिएगा। और आप भी बच्चे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, यही इसके लिए उपाय है। और उससे डॉक्टर के उपचार में तो आपको इसको रखना ही रखना है, बाकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज़, कोई भी दिक्कत मुझे इस चार्ट में और दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ एक वाणी वाली स्थिति है, नहीं तो व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेगा। ये पढ़ेगा भी, स्वयं के बल पर अच्छी एजुकेशन भी करेगा, एजुकेशन से जीवन में कुछ अर्न भी करेगा, स्वयं के बल पर कुछ अर्जित करेगा, और मुझे जहाँ तक लगता है ये घर से दूर ही रहेगा। मैंने ऐसे बच्चे पढ़ लिखने के बाद नौकरी के लिए विदेश में जाना और विदेश में जाके सेटल हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन भी देखी है, यानी घर के सुख में कमी, घर से दूर ही जाकर रहते हैं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। कोई भी बड़ी परेशानी दुविधा नज़र नहीं आ रही, जो उपाय बताएं वो रेगुलरिटी से करिएगा, आपके बच्चे को निश्चित लाभ मिलेगा। नमस्कार।